कहते हैं कि दुनिया में सबसे अछूता पर्वत जो है वह है कैलाश पर्वत। कहते हैं कि मानव ने उस पर कभी कदम नहीं रखा, लेकिन तिब्बत के एक महान संत जिनका नाम मिलारेपा था, उन्होंने उस कैलाश पर्वत पर कदम भी रखा था और वहां साधना भी की थी। उनके जीवन की पूरी कहानी एक ऐसा घटनाक्रम है जो बताती है कि एक व्यक्ति जिसने कम से कम 80 हत्याओं के जिम्मेदार था, कैसे उसने अपनी जिंदगी बदल दी, कैसे वो एक संत की श्रेणी में शामिल हो गया। उसने अपना बदला लेने के लिए दर्जनों को मारा और उसकी जिंदगी में ऐसे कठिन मोड़ आए और जिस गुरु से उसने दीक्षा ली वही गुरु उसका शिष्य बन गया। एक ऐसी कहानी जो ये बताती है कि वो व्यक्ति अध्यात्म के उस चरम अवस्था तक कैसे पहुंचा, और ना केवल चरम अवस्था तक पहुंचा बल्कि उसे तिब्बत में बुद्ध का अवतार तक कहा गया। तो ये वो कहानी है मिलारेपा की जिसने पूरी दुनिया में एक इतिहास रच रखा है। तो आज आपको उस कहानी से रूबरू कराना चाहूंगी। ये कहानी है तिब्बत के महान बौद्ध गुरु मिलारेपा की कहानी। मिलारेपा एक छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति थे। माना जाता है कि चीन में ध्यान का प्रचार करने का जो काम मिलारेपा ने किया, ऐसा प्रचार और किसी ने नहीं किया। माना जाता है कि उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि बहुत ज्यादा थी और उन्होंने कैलाश पे चढ़ने वाले एकमात्र संत के रूप में संसार में ख्याति प्राप्त की। जब आप कैलाश पर्वत के उत्तरी भाग को देखते हैं तो वहां एक मठ बना हुआ है जो मिलारेपा को समर्पित है। मिलारेपा का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, परंतु जब वो 7 वर्ष के थे तो उनके पिता बीमार होकर मर गए। मिलारेपा के वयस्क होने तक उनके पिता ने एक वसीयत लिखी थी जिसमें उन्होंने अपने परिवार और अपनी संपत्ति को अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी की देखरेख में रख रखा था, लेकिन चाचा और चाची ने उनकी संपत्ति हड़प ली, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें गरीबी के अधीन कर दिया। उनके चाचा और चाची उसकी माँ और छोटी बहन के साथ घर के नौकरों के जैसा व्यवहार करने लगे। अब उन्होंने मिलारेपा की पूरी जायदाद भी हड़प ली और वह उन लोगों के साथ बहुत खराब तरीके से पेश आने लगे। वो अनेक प्रकार से उनके परिवार को परेशान करते थे। अब मिलारेपा अपने अंदर प्रतिशोध और गुस्से की भावनाओं के साथ बड़े हुए और वयस्क होने के साथ ही वो अपना घर छोड़कर कहीं दूर चले गए। दरअसल वो अपने चाचा चाची से उस सारे अपमान और अत्याचार का बदला लेना चाहते थे जो इतने साल तक उन्होंने उसके और उसके परिवार पर ढाए थे। इसके लिए उन्होंने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत भी हासिल की। कुछ सालों के बाद जब वो तंत्र विद्या में महारत हासिल वापस करके लौटे तो पता चला कि उसकी माँ और छोटी बहन चल बसे थे। ये जानकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने चाचा से बदला लेने का विचार किया, लेकिन वो इसके लिए एक सही मौके का इंतजार करना चाहता था। जल्दी ही उसे अपने चाचा के बेटे की शादी के रूप में यह मौका मिल गया। इस आयोजन पर उसके चाचा ने अपने सभी मित्रों को न्योता दिया था। जब सभी लोग आयोजन के लिए जमा हो गए तो मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक शक्ति के बल पर घर में ओलावृष्टि करवा दी, जिसकी वजह से उसके चाचा चाची समेत 80 से 85 लोगों की मौत हो गई और वह पूरी जगह ओलों से भर गई थी। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को बड़ी खुशी हुई, लेकिन जल्दी उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। इस पछतावे का सबसे बड़ा कारण था उनका बहुत ज्यादा संवेदनशील होना। जब भी कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज का दुरुपयोग करता है तो कुछ समय बाद उसे अपने भीतर से ऐसे ही अपराध बोध महसूस होता है। ऐसा सामाजिक तौर पर जमीर के जगाने या फिर नैतिक कारणों से नहीं होता, बल्कि कहीं गहराई में हमारे भीतर ही कुछ हिल जाता है और जिंदगी कुछ इसी तरह से ऐसे लोगों की बदल जाती है। मिलारेपा को भी भीतर से किसी चीज ने बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया।
तब उसने वही निश्चय किया कि वह खुद को इस दोष से मुक्त करवा कर ही रहेगा। उसके तर्क भले ही कितने सही हों, लेकिन उसने जीवन के मूलभूत सिद्धांत का दुरुपयोग किया था और यही वजह है कि वो अध्यात्म की शरण में जाना चाहता था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह अपने पाप को इसी जन्म में धो सके और इसलिए वह गुरु की तलाश में निकल पड़ा। वह कई लोगों से मिला लेकिन सभी ने उसे इसी जन्म में आत्मबोध कराने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वो उसे ऐसा कुछ तो सिखा सकते हैं जो उसके आत्मज्ञान को बढ़ाए। उसे दया, कृपा और प्रेम की राह पे चलना होगा जिससे वो धीरे धीरे हर जन्म के साथ बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन मिला रेपा को इन सबसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। दरअसल उसके भीतर अभी तक पश्चाताप, विद्वेष और गुस्से की भावनाएं भरी पड़ी थी। अंत में एक व्यक्ति ने उसे मारपा के बारे में बताया कि वही उसकी मदद कर सकता है। मारपा के बारे में खास बात ये थी कि वह 3 बार भारत की यात्रा कर चुका था। वो मशहूर गुरु नरोपा के शिष्य थे और उनसे वह कई प्रकार की शिक्षा, प्रणालियां और लिखित ज्ञान लेकर उसे तिब्बत की भाषा में अनुवाद भी कर चुके थे। वह भारत के कई तांत्रिक मंत्रों का तिब्बती भाषा में अनुवाद कर चुके थे और यही वजह थी कि सभी लोग उनको जानते थे और उनको अनुवादक के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि भारत से इस ज्ञान को लेकर आने वाले सिर्फ वही थे। ये जानकर मिलारेपा मारपा की खोज में निकल पड़ा। जब वह उस शहर के पास पहुंचा जहां मारपा रहता था, तो उसने कुछ बच्चे मिले। उसने उनसे पूछा कि वो मारपा कहाँ रहते हैं। एक बच्चे ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ हैं। बच्चा उसे खेत में लेकर गया जहां मारपा जमीन जोत रहे थे। मिलारेपा को देखकर मारपा ने जमीन जोतना बंद कर दिया और उसे शराब देते हुए कहा, इसे पी लो और फिर जमीन जोतने के काम में लग जाओ। मिलारेपा ने वो शराब पी और जुताई के काम में लग गया। कुछ देर बाद मारपा तो वहां से चला गया, लेकिन वो बच्चा वहीं खड़ा रहा। जब मिलारेपा ने जुताई का काम पूरा कर लिया तो वो वहीं एक तरफ हैरानी से भरा खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब करना क्या है। वो बच्चा उसके पास आया और बोला, अब तुम अंदर आ सकते हो। वो बच्चा उसे मारपा के घर में ले गया। तब उसे एहसास हुआ कि दरअसल वो मारपा का ही बेटा था। फिर मारपा ने मिलारेपा से कई तरह की शारीरिक गतिविधियां कराई। कुछ देर के बाद मिलारेपा ने झुककर मारपा से कहा, मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूँ। मैं एक ऐसी प्रणाली, ऐसी क्रिया की तलाश में हूँ जो मुझे इसी जन्म में ज्ञान दिलवा दे और जिंदगी के बंधन से छुटकारा दिलवा दे। मैं अगले जन्म के फेर में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको अपना शरीर, अपना दिमाग, अपनी बोली, सब कुछ अर्पित करता हूँ। कृपया मुझे खाना, कपड़े और ज्ञान दे। ये वाकई एक खूबसूरत बात मिलारेपा ने कही थी। लोग अक्सर मारपा के पास जाकर ये कहकर गलती करते थे कि हम आपको अपनी आत्मा देते हैं, आखिर जो आपकी है ही नहीं, आप उसे कैसे दे सकते हैं। जो आपके पास है उसे देना ही बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने गुरु को कुछ समर्पित करना चाहते हैं, तो अपना शरीर, दिमाग और बोली से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके बाद वो व्यक्ति अपनी राह पर आगे बढ़ जाता है। मिलारेपा की बात सुनने के बाद मारपा ने उसकी ओर देखा और फिर बोला, तुम अपना शरीर, दिमाग और बोली मुझे दे रहे हो, इसके बदले मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह दे सकता हूँ। ज्ञान के लिए तुमको किसी और को देखना होगा, या फिर मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूँ और रहने व खाने का अपना इंतजाम तुमको कहीं और से करना होगा। अब इच्छा तुम्हारी है। वह वास्तव में सौदेबाजी कर रहा था। ये सुनकर मिलारेपा ने कहा, ठीक है, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए, मैं अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर लूंगा। और इतना कहकर वो बाहर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। मिलारेपा एक जोशीला व्यक्ति था और जो भी करता था उस पर कुछ ज्यादा ही कर बैठता था। वो बाहर भिक्षा मांगने चला गया और काफी दूर निकल गया और कई बोरे गेहूं के जमा कर लाया। दरअसल वह एक ही बार में साल भर का गेहूं जमा कर लेना चाहता था, ताकि वो मारपा के साथ बैठकर धर्म और ज्ञान की बातें सीख सके। उसने बहुत सारा गेहूं जमा कर लिया, जिसमें से थोड़ा गेहूं बेचकर उसने खाना बनाने के लिए एक पारंपरिक 4 मुठ वाला तांबे का एक बर्तन भी खरीद लिया। अब गेहूं के भारी बोझ के साथ वह मारपा के घर वापस आ गया और धड़ाम की आवाज के साथ उसने गेहूं का बोरा नीचे रखा।
जब मारपा ने आवाज सुनी तब वो दोपहर का खाना खा रहा था। वो खाना खाते हुए बीच में से उठकर आया और बोला, लगता है तुम बेहद गुस्से में हो। इस गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज से तुमने पूरे घर को दहला दिया। लगता है अपने चाचा के घर की तरह तुम इस घर को भी बर्बाद कर दोगे। बस बहुत हो गया, अब निकल जाओ यहाँ से। इस पर मिलारेपा घबरा गया। उसने कहा, आपने मुझसे अपना खाना लाने को कहा था तो मैं ले आया, लेकिन यह बहुत भारी था इसलिए रखते समय यह मुझसे संभल नहीं पाया और ये बोरी धम्म से नीचे आ गिरी। मारपा ने कहा, नहीं, तुम्हारे रखने का तरीका सही नहीं था। तुम खाने को इस तरह नहीं फेंक सकते। इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दो लोगों के बीच का फर्क इसी बात में समझ आता है कि वो कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चीजों को रखते हैं और बातों को किस तरह लेते हैं। इसलिए मारपा ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने बोरे को ठीक तरीके से न रख कर उसे फेंका, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो, तुम बाहर रहकर ही काम करो। मेरे खेत की जुताई करो और मेरा घर साफ करो। कई सालों तक मिलारेपा बस यही काम करता रहा। वक्त के साथ दूसरे शिष्य आते रहे, उनको कई चीजें सीखने का मौका मिला, लेकिन मिलारेपा को ना तो कोई दीक्षा मिली ना कोई सीख। वो सिर्फ खेत और घर में ही मेहनत करता रहा। 8 साल से भी ज्यादा समय तक उसने बिना कोई दीक्षा या सीख लिए वहाँ काम किया। बाकी सभी एक दिन के लिए वहाँ आते और कुछ न कुछ दीक्षा लेकर चले जाते, लेकिन उसने मेहनत करते हुए लंबा इंतजार किया। एक दिन जब सत्संग चल रहा था तो वो चुपके से अंदर आकर सत्संग में बैठ गया। हालांकि उसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। मारपा वहाँ आंखें बंद करके बैठा था, इसलिए मिलारेपा को उम्मीद थी कि दूसरे छात्रों के साथ उसको भी कुछ दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन बंद आंखों के साथ ही मारपा ने अपने लोगों को बुलाया और उनके साथ मिलकर मिलारेपा की पिटाई करवा दी। उसने उसे उठवाकर वहां से बाहर फेंकवा दिया और ऐसा बार बार होने लगा। मिलारेपा थोड़ा इंतजार करता और जैसे ही सत्संग शुरू होने लगता वैसे ही वह चुपके से जाकर इस उम्मीद में वहां बैठ जाता कि इस बार तो उसे कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिल जाएगा। और इसी तरह 13 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिर एक दिन उसने मारपा की पत्नी दमेमा से याचना की। दमेमा मिलारेपा के प्रति एक माँ की तरह सहानुभूति रखती थी। उसने कहा, आप मारपा से कहें कि वह मुझे कुछ सिखाएं, कोई एक शिक्षा, थोड़ा सा ज्ञान, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं इतने सालों से यहाँ ऐसे ही बैठा हूँ। दमेमा मान गई। उसने अपने पति से अच्छे तालमेल के चलते इस बारे में बात की। तब मारपा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उसको हमारे बेटे के लिए 3 कोनों वाला एक घर बनाना होगा और ये काम वो अकेला ही करेगा। अब मिलारेपा इस काम में अकेला ही जुट गया। वो दिन रात करके एक एक ईंट और एक एक पत्थर जोड़कर काम करता रहा। इस काम से उसके सारे शरीर पर घाव हो गया। जिस लहू लुहान हालत में भी वह लगातार काम करता था वह दमीमा से देखा नहीं जाता था। उसने मारपा से कहा, उसे थोड़ा आराम दो, मैं इतने सालों से उसे अपने घर में देखती आ रही हूँ, वो मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो चुका है, उसकी यह हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। इस पर मारपा ने कहा, ठीक है, इसे 1 महीना आराम करने दो और जब ये ठीक हो जाए तो उसे वापस काम पर लगा दो। अब दमीमा ने मिलारेपा का ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने उसे दवाइयाँ, खाना दिया और उसे ठीक कर दिया और उसके बाद मिलारेपा दोबारा काम पर जुट गया। घर बनाने में उसे 2 साल का वक्त लगा और जब वो पूरा हो गया तो मारपा ने उसे देख कर कहा कि मेरे बेटे के लिए 3 कोनों वाला घर सही नहीं रहेगा, इसलिए तुम 4 कोनों वाला घर बनाओ। अब मिलारेपा फिर मान गया। वो बोला, ठीक है, मैं किसी भी तरीके से आपके बेटे के लिए घर बनाऊंगा, लेकिन कृपया आप मुझे कुछ दीक्षा तो दें। लेकिन मारपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो हर नए आने वाले शिष्य को दीक्षा देता रहा, लेकिन मिलारेपा इंतजार करता रहा और इसी के साथ अपने काम में भी लगा रहा। सभी को लगता था मारपा अब मिलारेपा के साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन लोग जितनी तरह की बात करते मारपा का मिलारेपा के साथ व्यवहार उतना ही क्रूर होता जा रहा था। जब मिलारेपा ने 4 कोनों वाला घर बना लिया तब मारपा ने कहा, ये भी अच्छा नहीं है, अब तुम 5 कोनों वाला घर बनाओ।
इसी तरह कई साल और बीत गए। मिलारेपा अकेला ही काम में जुटा रहा और उस जगह पर इमारतें बनाता रहा। इस बार खत्म हो जाने पर मारपा ने कहा, ये ठीक है, लेकिन अपने बेटे के घर के चारों कोनों में मुझे 60 फीट ऊंचे बुर्ज चाहिए। इस पर मिलारेपा ने घर के चारों कोनों में 4 60 फुट ऊंचे बुर्ज भी बना दिए। अब मिलारेपा की उम्र ढलने लगी थी, इसलिए वो मारपा की पत्नी दमेमा के पास गया और उसके पैरों पे पड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी जिंदगी खत्म होती जा रही है, कृपया आप कुछ कीजिए, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। मैं जानता हूँ मैंने अतीत में बहुत गलत काम किए हैं, मैंने अपनी तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग किया है, लेकिन अब तो मैं बहुत पछता चुका हूँ। अब यह सुनकर दमेमा को मिलारेपा पे दया आ गई। उसने फौरन मारपा की लिखावट में ही उसके एक शिष्य के नाम पत्र लिख दिया कि ये शिष्य भी दीक्षा दे सकता था। दमेमा ने खत लिखकर उस पर मारपा की मुहर लगा दी और मिलारेपा से कहा कि वह इसे मारपा के उस शिष्य को ले जाकर दे दे। मिलारेपा उस भिक्षुक के पास गया, भिक्षु ने उसे दीक्षित तो कर दिया, लेकिन मिलारेपा को किसी भी प्रकार के अनुभव की प्राप्ति नहीं हुई। भिक्षुक हैरान था, क्योंकि जब भी वो किसी को दीक्षित करता था उसे कुछ न कुछ अनुभव तो होता ही था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में उन दोनों ने मारपा के पास जाकर यह पता लगाने का फैसला किया कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। और जब वे दोनों मारपा के घर पहुंचे तो मारपा उन्हें देखकर गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाया, मेरी इजाजत के बिना इस आदमी को दीक्षित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभिक्षुक ने मारपा को पत्र दिखाते हुए कहा कि मुझे आपका पत्र मिला था, इसे दीक्षा देने के लिए आपने ही निर्देश दिया था। पत्र देखते ही मारपा पूरी बात समझ गया और मिलारेपा से बोला, ये दीक्षा मान्य नहीं है और तुम्हें इन अभ्यासों को नहीं करना चाहिए। अब घोर पश्चाताप के भाव में डूबा मिलारेपा वहां से चला गया। मिलारेपा के वहां से जाते ही मारपा फौरन अपनी पत्नी और भिक्षु से बोला, इतने सालों में मैंने उसे लायक बनाया था और तुम दोनों ने बेकार की दया दिखाकर मेरी सब मेहनत पर पानी फेर दिया। अब दीक्षा के लिए उसे और इंतजार करना पड़ेगा। मिलारेपा में बहुत अहंकार था, वह लोगों पर अपना अधिकार अपना वर्चस्व चाहता था, इसलिए वह उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। मिलारेपा में ये सब कमियां तो थी, लेकिन उसमें जबरदस्त संभावनाएं भी थी, इसलिए मारपा केवल एक साधारण सा ध्यान योग देकर उसकी विशाल संभावनाओं को बेकार नहीं करना चाहता था। वो उसे कुछ भी सिखाने से पहले पूरी तरह से सिद्ध कर देना चाहता था। उधर मिलारेपा मारपा के घर से निकलने के बाद आत्महत्या करने की सोचने लगा। उसे ढूंढकर वापस लाने के लिए मारपा ने तुरंत किसी को भेजा। मिलारेपा वापस आया तो मारपा ने उससे कहा, अतीत में तुमने जो कुछ भी किया है उसके बोझ से निजात पाने के लिए मैं तुम्हें कुछ तरीके बता रहा हूँ, लेकिन तुम बेवजह ज्यादा वक्त लगा रहे हो। अगर तुम मेरे कहे अनुसार चले होते तो ये बोझ कब का खत्म हो गया होता। तुम सब कुछ करते हो, लेकिन निकलने के लिए चोरी के रास्ते को बुजदली के रास्ते को अपना लेते हो। सिर्फ इस वजह से सालों से तुम खुद सब कुछ टालते आ रहे हो, लेकिन अब तुम्हें सही मायने में अपने अंदर से पछतावा हो रहा है, यहाँ तक कि तुम इसके लिए जान भी देने को तैयार हो, और अब मुझे लगता है कि तुम योग्य बन गए हो। मारपा ने मिलारेपा को दीक्षा दे दी और उसे एक अस्थायी कारागार में कैद कर दिया गया। ये कारागार कुछ खास तरह का होता था, इसमें एक आदमी को बैठा कर उसके चारों तरफ दीवार बनाकर उसे बंद कर दिया जाता था और उसमें हवा आने जाने की व्यवस्था रहती थी, लेकिन उसमें से रोशनी नहीं आती थी। अंदर भयानक अंधेरा होता था। दिन में एक बार खाने की थाली को अंदर खिसका दिया जाता था और जब कैदी का खाना खत्म हो जाता तो वो उस थाली को बाहर धकेल देता था। इससे केवल उसके जिंदा होने का पता चलता रहता था। इसी तरह मिलारेपा को थोड़े समय के लिए इस कैद में रखा गया था, लेकिन कैद के तीसरे ही दिन मिलारेपा को डाकिनी देवी के दर्शन हुए। तांत्रिक विधि से काम करने के लिए हर चक्र के लिए एक देवी की रचना की गई थी और इस स्त्री स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे जीवंत बनाया जाता था और अपने काम सिद्ध करने के लिए उसे बुलाया भी जा सकता था। तांत्रिक पद पर इन ताकतों की मदद के बिना कोई इंसान कुछ सार्थक काम कर भी नहीं पाता था। डाकिनी मिलारेपा के सपने में आई और बोले, मारपा ने तुम्हें अपनी शिक्षा तो दी है, लेकिन उसने एक अहम पहलू छोड़ दिया जिसके बारे में खुद उसे भी नहीं पता है। जाओ
और उसी से जानने की कोशिश करो। उससे पूछो कि वह जानता है कि नहीं। अब मिलारेपा कैद की दीवार तोड़कर फौरन मारपा के पास पहुंचा। मारपा ने उसे देखकर पूछा कि मैंने अभी 3 दिन पहले ही बंद किया था, तुम बाहर कैसे आ गए? मिलारेपा ने उसे डाकिनी के बारे में सारी बातें बताते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि सच है या मेरा वहम, लेकिन ऐसा हुआ जरूर है। बस इसलिए मुझे ये सब जानने के लिए तुम्हारे पास आना पड़ा। ये सुनते ही मारपा ने मिलारेपा के सामने सिर झुका दिया और कहा, मेरे पास भी वो ज्ञान नहीं, चलो भारत चलते हैं, वहां मैं अपने गुरु से ये बात पूछूंगा। दोनों नारोपा से मिलने के लिए भारत आए। नारोपा से मिलकर मारपा ने उसे बताया कि डाकिनी सपने में आई थी और उसने कहा कि हमें ये खास शिक्षा नहीं मिली है। नारोपा ने ध्यान से मारपा को देखा और कहा, यह घटना तुम्हारे साथ तो नहीं घट सकती है, तुम्हें यह सब कैसे पता? मारपा ने जवाब दिया, ये घटना मेरे साथ नहीं हुई बल्कि मेरे एक शिष्य के साथ घटी है। और सुनते ही नारोपा तिब्बत की ओर मुड़े और अपना सिर झुका दिया और उन्होंने कहा, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिरकार एक छोटा सा प्रकाश चमका है। फिर उसने मिलारेपा और मारपा दोनों को बुलाकर उन्हें जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की पूरी शिक्षा दी। और जब वो वापस लौटे तो मारपा, जो पहले गुरु के रूप में मिलारेपा से जुड़ा था, अब उनके शिष्य की तरह हो गया था। तिब्बती संस्कृति में मिलारेपा एक चमकती हुई रोशनी बन गए और उन्होंने एक लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान से दूसरे लोगों तक पहुंचाया। वास्तव में तिब्बती संस्कृति में पिछले कई सौ सालों के दौरान जो बड़ी बड़ी चीजें हुई, उसका पूरा आधार मिलारेपा के द्वारा ही तैयार किया गया था। मिलारेपा की जिंदगी का सबसे बड़ा जो विशेष आश्चर्य है, जिन्होंने उसे पूरी दुनिया में विख्यात कर दिया, वो है कैलाश पर्वत की यात्रा। कहते हैं कि कैलाश पर्वत जो है वो मानव से अछूता है, लेकिन मिलारेपा के बारे में कहा जाता है कि पूरे संसार में एकमात्र वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की थी। माना जाता है कि 1093 ईस्वी में मिलारेपा ने अपने गुरु मारपा की आज्ञा से कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू की। अब जब वो वहां चढ़ ही रहे थे तो वहां उनकी मुलाकात नारोवान चुम्म से हुई। नारोवान बोन धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने मिलारेपा से वहां आने का कारण पूछा तो मिलारेपा ने उत्तर दिया कि मैं कैलाश की चोटी पर जाकर ध्यान लगाना चाहता हूँ। अब नारोवान ने कहा कि कैलाश पे केवल वही ध्यान लगा सकता है जो बोन धर्म का अभ्यास कर रहा हो। तो मिलारेपा ने कहा कि आचार्य शाक्य ने कहा है कि कैलाश पर सभी बौद्ध अनुयायी योग साधना कर सकते हैं और यही कारण है मेरे गुरु मारपा ने मुझे यहाँ साधना के लिए भेजा है। अब बोन धर्म और बौद्ध धर्म के कैलाश पर अधिकार को लेकर वहां दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और जब कोई हल ना निकला तो नारोवान ने कहा कि कल सुबह जो सबसे पहले कैलाश की चोटी पे पहुंचेगा कैलाश पर उसी का वर्चस्व होगा। अब मिलारेपा ने शर्त स्वीकार कर ली। नारोवान ने तत्काल ही कैलाश की चढ़ाई शुरू कर दी जबकि मिलारेपा आराम करने लगे। नारोवान कैलाश की चोटी तक पहुंचने ही वाला था कि एक अन्यायी ने आकर मिलारेपा को नींद से जगा और पूछा कि क्या हमें कैलाश छोड़ देना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं, और उसके बाद मिलारेपा तेजी से कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगे। नारोवान चोटी के कुछ नजदीक ही पहुंचे थे कि सूर्योदय हो गया और सूर्य की पहली किरण का प्रकाश वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और आंखों में तेज चमक लगने से वो कुछ पीछे हट गए। जबकि मिलारेपा आसानी से कैलाश की चोटी पे पहुंचे, उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सूर्य देव को नमस्कार किया और उनकी रोशनी को खुद के शरीर में प्रवेश करवाया। और ये देखकर नारोवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने किए की माफी मांगी और मिलारेपा ने उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसी चोटी से कुछ बर्फ उठाकर नीचे फेंकी जिससे कुछ छोटे पर्वत का निर्माण हुआ। मिलारेपा ने वो पर्वत नारोवान को देते हुए कहा कि यह बोन धर्म के लिए है और यहाँ से तुम हमेशा कैलाश को देख सकते हो। आदिकाल में इस पर्वत को गैंगचुम यानी छोटे कैलाश के नाम से जाना गया और इस तरह मिलारेपा इतिहास के वो इकलौते मनुष्य हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की और सालों तक यहाँ अपनी साधना की। मिलारेपा ने अपना एक लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को लोगों तक पहुँचाया। कई सौ सालों के दौरान जो बड़ी चीजें हुई तिब्बत में, उसका मूल आधार मिलारेपा ने ही तैयार किया। उनकी किताब 100,000 सॉन्ग्स ऑफ मिलारेपा इस बात की तकसीद करते हैं कि मिलारेपा ने अपने जीवन में 1,00,000 गीतों की रचना की और इसी वजह से उन्हें संत कवि भी कहा जाता है।
लाइफ ऑफ मिलारेपा किताब में भी मिलारेपा के गीतों के इस चक्र का ब्यौरा है। मिलारेपा की कहानी इस आदर्श का बखान करती है कि एक हत्यारा भी सही मायनों में प्रायश्चित और कठोर साधना से अवतार या सिद्ध साधु बन सकता है।